start in the next 2 minutes. मुझे अभी भी आवाज आ रही है, आप लोग प्लीज उसको ऑफ कर दो, जो भी ऑन है मोबाइल फोन. क्या हम शुरू कर सकते हैं? एवरीवन इज रेडी? मित्रों, आज रामलीला मैदान में जो देश के नाम में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले, दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं, और उनका क्या क्या किरदार रहा है उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा छिट्टा खोलने वाला हूं. आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है. हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है. ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्रहित के ऊपर रखा है. ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया. और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है. 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं. युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं. परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है. आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटो की रही है उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं. आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है. आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको. मित्रों, 1974 का वर्ष,
इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चा तीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था, ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था, ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है, सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने, जवाहरलाल नेहरू जी 10 मई 1961 जवाहरलाल नेहरू टेल्स, I attach no importance at all to this little island. I would have no hesitation in giving it up or claims on it. I do not like this pending matter indefinitely and being raised again and again in front of me. Jawaharlal Nehru ji कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए, यह हर रोज मेरे सामने पार्लियामेंट के रूप में विषय में आता है और मुझे तंग होता है इस पूरे विषय को देखते हुए, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको दे दिया जाए। मित्रों, जो मुझसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होंगे उनको याद होगा कि यही नेहरू जी थे जिन्होंने खड़े रहकर जब अक्साई चीन के अवैध कब्जे में चला गया और एक सांसद ने उनसे पूछा कि नेहरू जी ने आपने क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि इस भूमि पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामने उस सांसद ने क्या कहा आपको भी याद है, उनके मस्तिष्क को लेकर कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बट द सेम नेहरू जी सेड दैट नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन अक्साई चीन, सो इवन इफ इट हैज गॉन व्हाट इज द बिग डील। एंड टुडे नेहरू जी डॉक्यूमेंट शोज दैट ही हैज सेड that what is the big deal in this little island, why is it necessary? This island was the lifeline of thousands and thousands of farmers of Tamil Nadu. It was our Bharat Mata that was being spoken of in this cavalier manner. Rahul Gandhi ji, your family had done deal fixing. Uske baad, main aapko ek aur noting batana chahta hoon, jo AG ki noting aayi thi, usi samay par, जिसको दरकिनार करके नेहरू जी ये फैसला लेते हैं 1960 में एमसी सेतलवाद, जो उनके परिवार के करीबी भी है, वो कहते हैं कोट अनकोट, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन दिस आइलैंड, मतलब वो लीगल एविडेंस दे रहे हैं कि ये आइलैंड हमारा है, इसको सौंपना नहीं है। उसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है कि 1875 से लेकर 1948 तक, From 1875 to 1948, not only we have legal claim, legal evidence towards it, towards our claim on it, but this piece of land was continuously and uninterruptedly held by Raja of Ramnad, jisko Ramnadpuram kehte hain, and therefore we have the entire control over that area of land, whether it is fisheries or other rights. Ye historical evidence diya jata hai. Uske baad ek third noting samne aati hai. MEA Joint Secretary Law and Treaties K. Krishna Rao कहते हैं, India has a strong legal case and this should be leveraged for saving the fishermen's rights on that piece of land. वो आगे लिखते हैं, और ये सब 1960 में हो रहा है, We have a good case which can be answered and argued with considerable force. मतलब कि सरकार की ओर से जो वरिष्ठ
ज्वाइंट सेक्रेटरीज है, लीगल ऑफिसर्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वो कहता है कि ये भारत की जमीन है, अनडिनाइबली हमारी है, अनडिनाइबली क्लेम इज आर्स, इट वॉज हैंडेड ओवर बाई ईस्ट इंडिया कंपनी टू द राजा एंड आफ्टर द जमींदारी राइट्स वर गॉन देन इट हैड वी हैड द क्लेम ऑन इट, ऑन एवरी इंच ऑफ इट. पर नेहरू जी क्या बोलते हैं, दिस टाइनी पीस ऑफ लैंड, वॉट इज द नीड ऑफ इट, आई हैव नो क्वॉम्स इन रेलिंक्विशिंग कंट्रोल ऑफ इट. 1968 में फिर जब विपक्ष समूचा खड़ा होकर कहता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी तो चल बसे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये नहीं कर सकते आप, तब देश की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार संसद को झूठ बोलती है. ये कहते हैं ना, संसद का सम्मान नहीं हो रहा, संस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा, संसद को झूठ बोलती है और कहती है ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है इस आइलैंड को हैंडओवर करने का, यह किया जाता है प्रथम परिवार के द्वारा. 1969 में इसको अपोज किया जाता है, तब भी झूठ बोला जाता है, और 1973-74 के दरमियान चोरी चोरी छुपके छुपके जिस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री को साथ में लेते हुए देश की अखंडता, देश के हितों के खिलाफ समझौता करते हुए देश की एक भूमि को, देश की जमीन को श्रीलंका के पास सौंप दिया जाता है. और इसी संदर्भ में मैं आज कुछ सवाल इस डॉट लगाने वाले देश के नाम में अलायंस से भी पूछना चाहता हूं, और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं जो देश बचाने का दम भरती है, प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह हमारे राष्ट्र हितों के साथ समझौता था या नहीं? Was this a compromise with the unity, integrity, sovereignty of India? Yes or no? Second, why did the first family unilaterally, going against all the evidence available, relinquish our claims, India's claims, Bharat's claims on territory of Bharat? Thirdly, डीएमके एंड कांग्रेस दोनों से सवाल है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें तमिल प्राइड को लेकर करते हैं, तमिल संस्कृति को लेकर करते हैं, तमिल लोगों को और तमिल लैंग्वेज को लेकर करते हैं, इज दिस नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ तमिल पीपल? क्या ये तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला नहीं था, जिसमें मॉडल ये था फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों के साथ धोखेबाजी नहीं थी? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों के साथ और जीवनी के साथ खिलवाड़ नहीं था? वॉज इट नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड? कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी तमिलनाडु के मछुआरों को इस कदम के बाद? और क्या ये तमिलनाडु की गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं था? मेरा अगला सवाल, परिवारवादी जो ये देश के नाम पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाला गठबंधन है, क्या ये पहली बार ऐसा कोई कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है? कांग्रेस का तो डीएनए और चरित्र लगातार राष्ट्रहित के साथ समझौता करने वाला रहा है, और इसीलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी किस प्रकार से अक्साई चीन अवैध कब्जे में दे दिया चीन के, किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले जाने दी, कोको आइलैंड्स, काबो वैली, यहां तक कि सियाचेन का तो आपको याद होगा, एक न्यूज रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़ना चाहता हूं, आप ही के बीच से एक मित्र ने उस आर्टिकल को, इस न्यूज रिपोर्ट को लिखा था, हेडलाइन थी कैन पीएमओ गिफ्ट अवे टू पाकिस्तान व्हाट द आर्मी हैज वन, ये हेडलाइन 2012 की थी, और ये तो आर्म फोर्सेस ने, जेजे सिंह जैसे जनरल ने जब इसका विरोध किया, तब जब यूपीए की सरकार की मंशा थी कि सियाचेन को भी पार्सल करके पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, उस पर रोक लगी क्योंकि भारत की सेना ने इसका विरोध किया. टिया पंगनक, जोरावर, डोमचेली, कितने उदाहरण थे, देश की भूमि और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति और जायदाद समझकर लुटवाना और ऐसे हितों का सौदा कर देना. और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एलएसी के पास कभी बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया नहीं था. आज जिस प्रकार से राष्ट्रहित, हमारी एकता, अखंडता,
हमारी सॉवरेनिटी के साथ जो धोखेबाजी, जो गद्दारी और जो छल कपट किया गया है, क्या आज जो तथाकथित रूप से देश को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सामने आकर इसका जवाब देंगे? यहां पर तो सीधे सीधे कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया गया था 1974 में, और वो भी तब जबकि इसके खिलाफ राय थी, और वो भी इस प्रकार से जिस प्रकार से साफ नजर आता है कि इसमें परिवार का हित था, देश का हित नहीं था। और इसीलिए आज सवाल यह भी निर्माण होता है कि ये हमेशा से जो भारत और इंडिया के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भारत की चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं हों उसके खिलाफ सुपारी ले लेते हैं, चाहे वो भारत की सेना हो उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, या भारत के राष्ट्रहित हो उसके खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हैं। क्या ये सच बात है या नहीं है कि जिस पार्टी ने कच्चा तीवू को सौंप दिया, उसी पार्टी ने जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसको खून की दलाली बताई थी? क्या ये सच बात नहीं है जब भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था तो उसके भी सबूत आर्म फोर्सेस से मांगे गए थे और सेना के मनोबल पर चोट की गई थी? क्या ये सच बात नहीं है कि 26/11 के बाद जब कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर आक्रमण करना चाहिए तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया, पर आज जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो भारत की सेना के मनोबल पर चोट की जाती है? आज जब भारत की नौसेना कहां कहां जाकर न केवल भारतीयों को बल्कि गैर भारतीयों को भी एक प्रकार से सुरक्षित लाने का काम करती है, तो राहुल गांधी जी आपके परिवार ने देश के टुकड़े भी करवाए, देश का बंटवारा करवाया और कच्चा तीवू आइलैंड सौंप दिया। और आज भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। आज भी ए राजा कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, हर प्रदेश एक अलग देश है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी जिस प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों को अपने आप को अलग देश घोषित कर देना चाहिए और इस पर संविधान बचाओ करने वाली बातें करने वाले बड़े बड़े नामी गिनामी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वो एक स्वर से इसका खंडन नहीं करते, ना उस पर कार्रवाई करते हैं। आप देश बचाना चाहते हैं या आप देश का विभाजन करवाना चाहते हैं? आप देश में आग लगाना चाहते हैं और आप देश की संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा किया करना चाहते हैं? आज सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस प्रकार से मैच फिक्सिंग की राहुल गांधी बात करते हैं, तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी डील फिक्सिंग हुई थी कि अक्साई चीन भी आपने चीन को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने पीओके पाकिस्तान को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने भारत की भूमि को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को सौंप दिया और कच्चा तीवू को भी श्रीलंका के हितों को देखते हुए और हमारे तमिलनाडु के लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए सौंप दिया। इसके ऊपर आज इनको इसी मंच से जवाब देना चाहिए। आपके कोई अन्य सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। इसका मतलब यह है कि जिसके परिवार में कमीशन फिक्सिंग, डील फिक्सिंग, जीप स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक डील फिक्स ही की थी इन लोगों ने, नेशनल हेल्थ से लेकर बाकी जगहों पर अपना अपना करप्शन फिक्स ही किया था इन लोगों ने, और एक के बाद एक घोटालों में जो कमीशन फिक्सिंग करते हैं उनको तो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से चलने में भी मैच फिक्सिंग नजर आ रहा है। मैं तो सोचता हूं कि 7 फेज इलेक्शन के घोषित हुए हैं, 7 फेजेस ऑफ इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड, बट 3 फेजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। फर्स्ट फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब्यूज मीडिया ओपिनियन पोल्स, आप लोग भी गाली खाते ही हैं इनकी, 14 एंकर भी बॉयकॉट हो गए। सेकेंड फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन abuse EVM and election commission, and third phase of frustration abuse janta itself,
आपने तो देखा होगा कर्नाटका में एक नेता ने, इनके मंत्री ने कहा कि जो युवा प्रधानमंत्री मोदी के लिए समर्थन प्रकट करे उसको जूते चप्पल से मारो। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जनता राक्षसी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखकर वोट कर देती है। तो आज तो ये स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार एनडीए का होने वाला है और जनता ही ये विश्वास बार बार जो है प्रधानमंत्री जी में जता रही है। तो आज राहुल गांधी फिर से एक बार ईवीएम का बहाना बना रहे हैं क्योंकि परिवार को बचाना जरूरी है। ये ईवीएम, ये मैच फिक्सिंग, ये सब बहाना है परिवार को हार की डर से बचाना है। इसलिए रायबरेली और अमेठी का रास्ता भूल जाना है और इसीलिए देश की संस्थाओं पर जब मन करे कुटाराघात करवाना है। जब यही संस्थाएं, यही ईवीएम, यही इलेक्शन कमीशन से आप तेलंगाना में चुनाव जीतो तो वो तो बिल्कुल अच्छे चुनाव होते हैं, और यही ईवीएम इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए चुनावों में अगर आप उत्तर प्रदेश में हार जाओ या आप देश के चुनाव में हार जाओ तब तो इस इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले में फैसला सुना दे और कहे कि देखिए यहां पर गलत हुआ और सरकार को कटघरे में खड़ा करे, तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नॉन बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, लोकतंत्र बहाल है, सुप्रीम कोर्ट सही है। और जब यही सुप्रीम कोर्ट कहे ईडी सीबीआई स्वतंत्र होकर काम कर रही है या मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का काम करे या 338 करोड़ मनी ट्रेल के बारे में बात करे, तब सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं अपनाना है और रैली करके कोर्ट के खिलाफ अपनी भड़ास निकालना है। मतलब अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसकी परिकल्पना नहीं की होगी कि अ बंच ऑफ परिवारवादीज हु कम टूगेदर टू सेव एंड डिफेंड देयर करप्शन इन द नेम ऑफ लोकतंत्र बचाओ विल अब्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे लाइक एंड विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे डोंट लाइक। ये इतनी हिपोक्रेसी केवल राहुल गांधी और उनके परिवार से ही संभव है। और राहुल गांधी जी से जरा पूछिएगा कि राहुल गांधी जी ये आप बोलते हैं फिक्स हो गया, केजरीवाल जी का जेल जाना ये फिक्सिंग था, सोरेन जी का जेल जाना ये फिक्सिंग था, हमारे अकाउंट जो है उस पर लीन लगी है, उसको फ्रीज कहते हैं, वो फिक्सिंग था, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिक्स्ड है? क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जुडिशरी फिक्स्ड है? क्योंकि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में रखा। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि हेमंत सोरेन को उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में रखा है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। और लालू प्रसाद यादव 4-5 बार कन्विक्टेड है, उनकी पहली कन्विक्शन आदरणीय राहुल जी 2013 में हुई। तो क्या उस समय पर भी कोर्ट और एजेंसी फिक्स थे? जेएमएम की पहली कन्विक्शन 1990 में हुई, उस समय पर भी एजेंसी फिक्स थे, कोर्ट फिक्स था? राहुल गांधी जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर यह उनसे ज्यादा उम्मीद हो जाएगी। मुझे लगता है इस विषय पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई बार अपने देश के पूरे पृष्ठभूमि को बहुत साफ साफ तरीके से रखा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक विषयों पर और कोई आपके सवाल जवाब होंगे तो उस पर हम फोकस करते हैं। भ्रष्टाचार के सारे कौरव एक होकर आज जिस प्रकार से तथाकथित रूप से देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ पर असलियत में अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवार के बचे कुचे सीमित अस्तित्व को बचाओ का वहां पर स्वांग रच रहे हैं, कम से कम एक चीज के लिए तो मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूं कि कल तक जो पार्टी हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का महापाप करती थी आज वो राम राम करने लगी है। मतलब कि
इसको लिटरली ना लिया जाए कि जिनकी रोम मानसिकता है, सेकुलरिज्म के नाम पर जो वोट बैंक की मानसिकता थी वहां से चलकर आज राम मानसिकता पर कम से कम उदाहरण के तौर पर ही आए हैं, तो ये भी तो मोदी है तो मुमकिन है। और सवाल ये भी बनता है कि आपको आज कौन राम है कौन रावण है ये नजर आ रहा है। आपके बगल में बैठे हुए उदयनिधि ने तो कहा था सनातन हिंदू को समाप्त कर दो, प्रभु श्री राम के ही तो अनुयायियों को समाप्त करने की बात की थी। आपके राइट हैंड पे समाजवादी पार्टी के युवराज बैठे हैं जिनके पार्टी का स्टैंड था कि राम भक्तों पर निरंतर गोलियां चलाओ और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो चलाते रहेंगे। आपके वकीलों का कोर्ट में यह स्टैंड था कि राम मंदिर को लटकाओ अटकाओ भटकाओ और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई तो इसको आपने बीजेपी आरएसएस इवेंट बताया। आपके अगल बगल में बैठने वाले आरजेडी नेताओं का बयान था कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। तो भाई राम और रावण आज नजर आ रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा जी तनिक ये तो बताइए कि राम को, राम जी को, हिंदू को, हिंदुत्व को, सनातन को समाप्त और गाली देने का जो महापाप करने वाले लोग थे वो कब नजर आएंगे आपको। और सवाल ये भी बनता है कि देखिए जैसे मैंने बताया कि रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे रामलीला मैदान में, तो रामलीला मैदान में और क्या क्या हुआ है वो भी जरा नोट कीजिए। जो कल तक झाड़ू झाड़ू कर रहे थे दारू दारू करने लगे, जो कल तक स्वराज स्वराज कर रहे थे वो शराब शराब करने लगे, अन्ना अन्ना कर रहे थे लालू लालू करने लगे। और इन्हीं लोगों के इस्तीफा मांगने वाले मतलब कि अरविंद केजरीवाल इसी रामलीला मैदान में, आप कई लोग जाते थे वहां पे कवर करने एज यंग रिपोर्टर्स, आप लोग देखे हो कि सोनिया को जेल में डालो दो दिन में पता चल जाएगा क्या खाया है क्या पिया है सब पता चल जाएगा, लालू को जेल में डालो ये भ्रष्ट है, अखिलेश को जेल में डालो, राहुल को जेल में डालो करने वाले आज कह रहे हैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, लालू जी सब मिलकर मुझे जेल से निकालो और मैं ये सरकार तिहाड़ से चलाऊंगा। इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण। रामलीला में भी किस प्रकार की लीलाएं देखने मिल रही है ये आपके सामने है कि जो राम को नहीं मानता वो राम की बात कर रहा है और जो झाड़ू से शुरू किया था स्वराज से शुरू किया था वो शराब और दारू की बात करता है और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है जब कोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। ये शुद्ध रूप से अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवारवादी दुकानों को जो बचाने की एक आखिरी प्रयास है। ऐसे भी कह सकते हैं कि एनडीए का तो लगातार आप देख रहे हैं मोदी जी मिशन और विजन के साथ चलते हैं तो 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, हम लोग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालते हैं, हम 80 करोड़ लोगों तक शौचालय, नल से जल, रोजगार, अलग अलग मुद्रा योजना, जनधन पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ नो मिशन नो विजन, ओनली माई कमीशन, माई डायनेस्टी प्रोफेशन, माई ओन एम्बिशन, माई अपना अपना करप्शन। ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन लेकर अपने डायनेस्टी के प्रोफेशन को बचाने के लिए इकट्ठा होने वाली ये मंडली है, इसमें यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज के पूरे कार्यक्रम का एजेंडा क्या था। जयराम जी एक बात कहते हैं, सौरभ जी दूसरी बात कहते हैं और मंच से ही आपने देखा किसके पोस्टर को निकाला जाता है। देखिए मुझे लगता है कि ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे व्हाट्सएप आया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसके आधी क्लिप बना के मत डालना सोशल मीडिया पे। किसी ने मुझे इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मुझे लगता है ये सबसे उपयुक्त होगा कि एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया। अब मैं नहीं कहता हूँ किसी को पप्पू, ये कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं। एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया और कांग्रेस ने एक पप्पू को बर्बाद किया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब बराबर हुआ। पर देखिए अब उन्होंने कहा है कि दुनिया छोड़ दूंगा पर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। अब कांग्रेस को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या छूटा है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में आप देखिए ना, मिशन और विजन जब नहीं होता है तो बंगाल से दीदी बोलती है बंगाल छोड़ो, महाराष्ट्र से कोई बोलता है कि मुंबई छोड़ो वो उनको खिचड़ी चोर बोल देते हैं, कोई केरल से बोलता है वायनाड छोड़ो, यूपी से बोलता है हम छोड़ देंगे, बिहार से बोलता है हम छोड़ देंगे। तो देवदास का एक डायलॉग है कि पारो ने बोला ये छोड़ दो, उसने बोला वो छोड़ दो, कांग्रेस की भी ऐसी स्थिति बन चुकी है राजनीतिक पटल पर देवदास की तरह ही है कि इसने बोला ये छोड़ दो, उसने बोला ये छोड़ दो, एक दिन ऐसा आएगा कि सब मिलकर बोलेंगे राहुल जी आप सियासत छोड़ दो। ये लाइटर नोट पर है इसीलिए इसको अन्यथा ना लिया जाए, वो उनके आंतरिक विषय है वो अपना बताए, परंतु कहीं पर भी उनका गठबंधन कोई मिशन विशन नहीं है, अपने अपने एम्बिशन में इस प्रकार का कंफ्यूजन लगातार चल रहा है। Should ensure equal
equal opportunity in the Lok Sabha election. Second, ECI should stop forceful action against opposition taken by ED, CBI and IT. Third, Hemant Soren and Arvind Kejriwal should be released immediately. Fourth, attempt to weaken the opposition financially should be stopped. Fifth, an SIT should be formed to investigate funds raised by BJP through electoral vote. समस्या यही है ना कि इस अलायंस का नेचर ही यही है कि ये देश से, देश के इंस्टीट्यूशन से, देश के लोगों से डिमांड ही करते रहते हैं. कभी कट डिमांड करते हैं, कभी कमीशन डिमांड करते हैं, कभी वोट डिमांड करते हैं. अपना क्या देना है वो कभी नहीं बताते. हम क्या देश को दे सकते हैं, हम क्या अपने अलायंस के रूप में दे सकते हैं, वो कभी नहीं बता सकते. ना उन्होंने कुछ किया है ताकि वो बताने लायक भी रहे. ये वही प्रियंका वाड्रा है, हिमाचल में बड़े बड़े वादे करके आई हिमाचल की जनता को. वो कितने वादे पूरे हुए वहां पर, तो उनकी प्रदेश अध्यक्षा भी हो सकता है शायद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो बता रही है. मंडी को अपमानित करने के बाद तो और भी दयनीय स्थिति बन चुकी है. उनकी पार्टी के साथ क्या हिमाचल में घटनाक्रम घटी उन्हीं के लोगों के द्वारा कि उनके राज्यसभा के नुमाइंदे जीत नहीं पाए. उनकी सरकार किस प्रकार से चल रही है उसके बारे में उन्हीं की पार्टी के मंत्री बताते हैं. तो वादे पूरे जब नहीं कर पाते हैं, अपनी जो की गई जो प्रोमिसेस है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो देश की जनता से, देश के इंस्टीट्यूशन से डिमांड ही रखेंगे ये. और डिमांड करते करते क्या डिमांड रखी है, ये जो भी डिमांड रखी है ये डिमांड लेकर आप कोर्ट में गए. केजरीवाल जी को रिहा करो, कोर्ट के पास डिमांड की, कोर्ट ने बोला नहीं कर सकते. मेरे अकाउंट तथाकथित रूप से फ्रीज हो गए, हाई कोर्ट ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार ऑर्डर दिया. एक 45 पेज का ऑर्डर दिया कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं, उस पर लीन है, आपने 520 करोड़ की अवैध ट्रांजैक्शन की है, उसका जवाब दीजिए. और आपको हर जगह पर ट्राइब्यूनल में, बाकी जगहों पर रिलीफ नहीं मिली, उसका मतलब यह है कि गलती आपकी है. पर फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं. ईडी सीबीआई के विषय में भी, जब ईडी की कार्रवाई केजरीवाल पर हो रही थी, उनके आम आदमी पार्टी पर हो रही थी, तब कांग्रेस के लोग पिक्चर और पोस्टर चिपकाते थे. और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र देखो. इसी ईडी की, इसी सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ मांगी थी. पर आज ईडी सीबीआई को गरियाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 पार्टियों की पेटिशन पर कि इसमें कोई भी वेंडेटा पॉलिटिक्स का हमें अंश नजर नहीं आ रहा है. पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी है. इस प्रकार के पारिवारिक, प्रथम परिवार के डिमांड्स को जनता भी फुलफिल नहीं कर पा रही है. उनको अपनी डिमांड नहीं, उनको बताना चाहिए कि देश को डिवाइड क्यों कर रहे हैं. धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच. आज रामलीला मैदान में जो देश के नाम में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले, दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं, और उनका क्या क्या किरदार रहा है उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा छिट्टा खोलने वाला हूं. आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है. हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है. ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्रहित के ऊपर रखा है. ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया. और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है. 47 में धर्म के आधार पर
देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की, अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटो की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है, आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको ये आदेश दिया जाता है कि कच्चा तीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ, मैं कहूंगा, गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था, ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था, ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए, राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि, भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है, सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने, जवाहरलाल नेहरू जी, 10 मई 1961, जवाहरलाल नेहरू टेल्स, I attach no importance at all to this little island. I would have no hesitation in giving it up or claims on it. I do not like this pending matter indefinitely and being raised again and again in front of me. Jawaharlal Nehru ji कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए? ये हर रोज मेरे सामने पार्लियामेंट के रूप में विषय में आता है और मुझे तंग होता है इस पूरे विषय को देखते हुए, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको दे दिया जाए। मित्रों, जो मुझसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होंगे उनको याद होगा कि यही नेहरू जी थे जिन्होंने खड़े रहकर, जब अक्साई चीन के अवैध कब्जे में चला गया,
और एक सांसद ने उनसे पूछा कि नेहरू जी ने आपने क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि इस भूमि पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामने उस सांसद ने क्या कहा आपको भी याद है, उनके मस्तिष्क को लेकर कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बट द सेम नेहरू जी सेड दैट नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन अक्साइ चीन, सो इवन इफ इट हैज गॉन व्हाट इज द बिग डील। एंड टुडे नेहरू जी डॉक्यूमेंट शोज दैट ही हैज सेड दैट व्हाट इज द बिग डील इन दिस लिटिल आइलैंड, व्हाई इज इट नेसेसरी। दिस आइलैंड वॉज द लाइफ लाइन ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ऑफ तमिलनाडु। इट वॉज आवर भारत माता दैट वॉज बींग स्पोकन ऑफ इन दिस कैवेलियर मैनर। राहुल गांधी जी, योर फैमिली हैड डन डील फिक्सिंग। उसके बाद मैं आपको एक और नोटिंग बताना चाहता हूं, जो एजी की नोटिंग आई थी उसी समय पर, जिसको दरकिनार करके नेहरू जी ये फैसला लेते हैं। 1960 में एमसी सेतलवाद, जो उनके परिवार के करीबी भी है, वो कहते हैं कोट अनकोट, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन दिस आइलैंड। मतलब वो लीगल एविडेंस दे रहे हैं कि ये आइलैंड हमारा है, इसको सौंपना नहीं है। उसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है कि 1875 से लेकर 1948 तक, फ्रॉम 1875 टू 1948, नॉट ओनली वी हैव लीगल क्लेम, लीगल एविडेंस टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स आर क्लेम ऑन इट, बट दिस पीस ऑफ लैंड वॉज कंटिन्यूसली एंड अनइंटरप्टेडली हेल्ड बाय राजा ऑफ रामनाथ, जिसको रामनाथपुरम कहते हैं, एंड देयरफॉर वी हैव द एंटायर कंट्रोल ओवर दैट एरिया ऑफ लैंड, वेदर इट इज फिशरीज और अदर राइट्स। ये हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है। उसके बाद एक थर्ड नोटिंग सामने आती है, एमईए जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड ट्रीटीज के कृष्णराव कहते हैं, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लीगल केस एंड दिस शुड बी लेवरेज्ड फॉर सेविंग द फिशरमैन्स राइट्स ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। वो आगे लिखते हैं, और ये सब 1960 में हो रहा है, वी हैव अ गुड केस विच कैन बी आंसर्ड एंड आर्ग्यूड विद कंसिडरेबल फोर्स। मतलब कि सरकार की ओर से जो वरिष्ठ जॉइंट सेक्रेटरीज है, लीगल ऑफिसर्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वो कहता है कि ये भारत की जमीन है, अनडिनाइबली हमारी है, अनडिनाइबली क्लेम इज आर्स। इट वॉज हैंडेड ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू द राजा एंड आफ्टर द जमींदारी राइट्स वर गॉन, देन इट हैड वी हैड द क्लेम ऑन इट, ऑन एवरी इंच ऑफ इट। पर नेहरू जी क्या बोलते हैं, दिस टाइनी पीस ऑफ लैंड, वॉट इज द नीड ऑफ इट, आई हैव नो क्वॉम्स इन रिलिंक्विशिंग कंट्रोल ऑफ इट। 1968 में फिर जब विपक्ष समूचा खड़ा होकर कहता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी तो चल बसे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये नहीं कर सकते आप, तब देश की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, संसद को झूठ बोलती है। ये कहते हैं ना, संसद का सम्मान नहीं हो रहा, संस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा, संसद को झूठ बोलती है और कहती है ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है इस आइलैंड को हैंडओवर करने का, यह किया जाता है प्रथम परिवार के द्वारा। 1969 में इसको अपोज किया जाता है, तब भी झूठ बोला जाता है, और 1973-74 के दरमियान चोरी चोरी छुपके छुपके जिस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री को साथ में लेते हुए देश की अखंडता, देश के हितों के खिलाफ समझौता करते हुए देश की एक भूमि को, देश की जमीन को श्रीलंका के पास सौंप दिया जाता है। और इसी संदर्भ में मैं आज कुछ सवाल इस डॉट लगाने वाले देश के नाम में अलायंस से भी पूछना चाहता हूं, और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं जो देश बचाने का दम भरती है, प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह हमारे राष्ट्रहितों के साथ समझौता था या नहीं? वॉज दिस अ कॉम्प्रोमाइज विद द यूनिटी इंटेग्रिटी सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, यस और नो? सेकेंड, वाई डिड द फर्स्ट फैमिली यूनिलैटरली गोइंग अगेंस्ट ऑल द एविडेंस अवेलेबल रेलिंक्विश आवर क्लेम्स, इंडियाज क्लेम्स, भारत क्लेम्स ऑन टेरिटरी ऑफ भारत? थर्डली, डीएमके एंड कांग्रेस दोनों से सवाल है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें तमिल प्राइड को लेकर करते हैं, तमिल संस्कृति को लेकर करते हैं, तमिल लोगों को, तमिल लैंग्वेज को लेकर करते हैं, इज दिस नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ तमिल पीपल? क्या ये तमिल के, तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला नहीं था, जिसमें मॉडल ये था
फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों के साथ धोखेबाजी नहीं थी? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों के साथ और जीवनी के साथ खिलवाड़ नहीं था? वॉज इट नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड? कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी तमिलनाडु के मछुआरों को इस कदम के बाद? और क्या ये तमिलनाडु की गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं था? मेरा अगला सवाल, परिवारवादी जो ये देश के नाम पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाला गठबंधन है, क्या ये पहली बार ऐसा कोई कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया? कांग्रेस का तो डीएनए और चरित्र लगातार राष्ट्रहित के साथ समझौता करने वाला रहा है, और इसीलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी किस प्रकार से अक्साई चीन अवैध कब्जे में दे दिया चीन के, किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले जाने दी, कोको आइलैंड, काबो वैली, यहां तक कि सियाचेन। सियाचेन का तो आपको याद होगा, एक न्यूज रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़ना चाहता हूं। आप ही के बीच से एक मित्र ने उस आर्टिकल को, इस न्यूज रिपोर्ट को लिखा था। हेडलाइन थी, कैन पीएमओ गिफ्ट अवे टू पाकिस्तान व्हाट द आर्मी हैज वन। ये हेडलाइन 2012 की थी, और ये तो आर्म फोर्सेस ने, जे सिंह जैसे जनरल ने जब इसका विरोध किया, तब जब यूपीए की सरकार की मंशा थी कि सियाचेन को भी पार्सल करके पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, उस पर रोक लगी क्योंकि भारत की सेना ने इसका विरोध किया। टिया पंगनक, जोरावर, डोमचेली, कितने उदाहरण थे। देश की भूमि और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति और जायदाद समझकर लुटवाना और ऐसे हितों का सौदा कर देना, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एलएसी के पास कभी बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया नहीं था। आज जिस प्रकार से राष्ट्रहित, हमारी एकता, अखंडता, हमारी सॉवरेनिटी के साथ जो धोखेबाजी, जो गद्दारी और जो छल कपट किया गया है, क्या आज जो तथाकथित रूप से देश को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सामने आकर इसका जवाब देंगे? यहां पर तो सीधे सीधे कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया गया था 1974 में, और वो भी तब जबकि इसके खिलाफ राय थी, और वो भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से साफ नजर आता है कि इसमें परिवार का हित था, देश का हित नहीं था। और इसीलिए आज सवाल यह भी निर्माण होता है कि ये हमेशा से जो भारत और इंडिया के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भारत की, चाहे वो संविधानिक संस्थाओं हों उसके खिलाफ सुपारी ले लेते हैं, चाहे वो भारत की सेना हो उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, या भारत के राष्ट्रहित हो उसके खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हैं। क्या ये सच बात है या नहीं है कि जिस पार्टी ने कच्चा तीवू को सौंप दिया, उसी पार्टी ने जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसको खून की दलाली बताई थी? क्या ये सच बात नहीं है जब भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था तो उसके भी सबूत आर्म फोर्सेस से मांगे गए थे और सेना के मनोबल पर चोट की गई थी? क्या ये सच बात नहीं है कि 26/11 के बाद जब कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर आक्रमण करना चाहिए तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया, पर आज जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो भारत की सेना के मनोबल पर चोट की जाती है? आज जब भारत की नौसेना कहां कहां जाकर न केवल भारतीयों को बल्कि गैर भारतीयों को भी एक प्रकार से सुरक्षित लाने का काम करती है, तो राहुल गांधी जी, आपके परिवार ने देश के टुकड़े भी करवाए, देश का बंटवारा करवाया और कच्चा तीवू आइलैंड सौंप दिया। और आज भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। आज भी ए राजा कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, हर प्रदेश एक अलग देश है, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी जिस प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों को अपने आप को अलग देश घोषित कर देना चाहिए, और इस पर संविधान बचाव करने वाली बातें करने वाले बड़े बड़े नामी गिनामी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वो एक स्वर से इसका खंडन नहीं करते, ना उस पर कार्रवाई करते हैं।
आप देश बचाना चाहते हैं या आप देश का विभाजन करवाना चाहते हैं, आप देश में आग लगाना चाहते हैं और आप देश की संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा किया करना चाहते हैं। आज सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस प्रकार से मैच फिक्सिंग की राहुल गांधी बात करते हैं, तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी डील फिक्सिंग हुई थी कि अक्साई चीन भी आपने चीन को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने पीओके पाकिस्तान को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने भारत की भूमि को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को सौंप दिया और कच्चा तीवू को भी श्रीलंका के हितों को देखते हुए और हमारे तमिलनाडु के लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए सौंप दिया। इसके ऊपर आज इनको इसी मंच से जवाब देना चाहिए। आपके कोई अन्य सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। इसका मतलब यह है कि जिसके परिवार में कमीशन फिक्सिंग, डील फिक्सिंग, जीप स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक डील फिक्स ही की थी इन लोगों ने, नेशनल हेल्थ से लेकर बाकी जगहों पर अपना अपना करप्शन फिक्स ही किया था इन लोगों ने, और एक के बाद एक घोटालों में जो कमीशन फिक्सिंग करते हैं उनको तो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से चलने में भी मैच फिक्सिंग नजर आ रहा है। मैं तो सोचता हूं कि 7 फेज इलेक्शन के घोषित हुए हैं, 7 फेजेस ऑफ इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड, बट 3 फेजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। फर्स्ट फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब्यूज मीडिया ओपिनियन पोल्स, आप लोग भी गाली खाते ही हैं इनकी, 14 एंकर भी बॉयकॉट हो गए। सेकेंड फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन abuse EVM and election commission, and third phase of frustration abuse janta itself। आपने तो देखा होगा कर्नाटका में एक नेता ने, इनके मंत्री ने कहा कि जो युवा प्रधानमंत्री मोदी के लिए समर्थन प्रकट करे उसको जूते चप्पल से मारो। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जनता राक्षसी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखकर वोट कर देती है। तो आज तो ये स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार एनडीए का होने वाला है और जनता ही ये विश्वास बार बार जो है प्रधानमंत्री जी में जता रही है। तो आज राहुल गांधी फिर से एक बार ईवीएम का बहाना बना रहे हैं क्योंकि परिवार को बचाना जरूरी है। ये ईवीएम, ये मैच फिक्सिंग, ये सब बहाना है परिवार को हार की डर से बचाना है, इसलिए रायबरेली और अमेठी का रास्ता भूल जाना है और इसीलिए देश की संस्थाओं पर जब मन करे कुटाराघात करवाना है। जब यही संस्थाएं, यही ईवीएम, यही इलेक्शन कमीशन से आप तेलंगाना में चुनाव जीतो तो वो तो बिल्कुल अच्छे चुनाव होते हैं, और यही ईवीएम इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए चुनावों में अगर आप उत्तर प्रदेश में हार जाओ या आप देश के चुनाव में हार जाओ तब तो इस इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले में फैसला सुना दे और कहे कि देखिए यहां पर गलत हुआ और सरकार को कटघरे में खड़ा करे, तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नॉन बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, लोकतंत्र बहाल है, सुप्रीम कोर्ट सही है। और जब यही सुप्रीम कोर्ट कहे ईडी सीबीआई स्वतंत्र होकर काम कर रही है या मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का काम करे या 338 करोड़ मनी ट्रेल के बारे में बात करे, तब सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं अपनाना है और रैली करके कोर्ट के खिलाफ अपनी भड़ास निकालना है। मतलब अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसकी परिकल्पना नहीं की होगी कि अ बंच ऑफ परिवारवादीज हु कम टूगेदर टू सेव एंड डिफेंड देयर करप्शन इन द नेम ऑफ लोकतंत्र बचाओ विल अब्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे लाइक एंड विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे डोंट लाइक। ये इतनी हिपोक्रेसी केवल राहुल गांधी और उनके परिवार से ही संभव है। और राहुल गांधी जी से जरा पूछिएगा कि राहुल गांधी जी ये आप बोलते हैं फिक्स हो गया, केजरीवाल जी का जेल जाना ये फिक्सिंग था, सोरेन जी का जेल जाना ये फिक्सिंग था, हमारे अकाउंट जो है उस पर लीन लगी है, इसको फ्रीज कहते हैं, वो फिक्सिंग था, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिक्स्ड है? क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जुडिशरी फिक्स्ड है?
क्योंकि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में रखा। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि हेमंत सोरेन को उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में रखा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। और लालू प्रसाद यादव 4-5 बार कन्विक्टेड है। उनकी पहली कन्विक्शन आदरणीय राहुल जी 2013 में, तो क्या उस समय पर भी कोर्ट और एजेंसीज फिक्स थे? जेएमएम की पहली कन्विक्शन 1990 में हुई, उस समय पर भी एजेंसीज फिक्स थे, कोर्ट फिक्स था। राहुल गांधी जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर यह उनसे ज्यादा उम्मीद हो जाएगी। मुझे लगता है इस विषय पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई बार अपने देश के पूरे पृष्ठभूमि को बहुत साफ साफ तरीके से रखा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक विषयों पर और कोई आपके सवाल जवाब होंगे तो उस पर हम फोकस करते हैं। प्रियंका गांधी ने, जैसा आपने कहा कि कई बार आज एक तरह से बीजेपी की रावण से तुलना की है, उन्होंने कहा कि जब राम रावण से लड़े थे तब उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास सेना नहीं थी बहुत बड़ी, और एक तरह से वो तुलना करती हुई नजर आ रही है कि वो लोग राम के पक्ष के, और वो ये भी कह रही है कि ये लोग अपने आप को राम भक्त बताते हैं लेकिन ये छलावा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के सारे कौरव एक होकर आज जिस प्रकार से तथाकथित रूप से देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ पर असलियत में अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवार के बचे कुचे सीमित अस्तित्व को बचाओ का वहां पर स्वांग रच रहे हैं, कम से कम एक चीज के लिए तो मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूं कि कल तक जो पार्टी हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का महापाप करती थी, आज वो राम राम करने लगी है। मतलब कि इसको लिटरली ना लिया जाए कि जिनकी रोम मानसिकता है, सेकुलरिज्म के नाम पर जो वोट बैंक की मानसिकता थी, वहां से चलकर आज राम मानसिकता पर कम से कम उदाहरण के तौर पर ही आए हैं, तो ये भी तो मोदी है तो मुमकिन है। और सवाल ये भी बनता है कि आपको आज कौन राम है कौन रावण है ये नजर आ रहा है। आपके बगल में बैठे हुए उदयनिधि ने तो कहा था सनातन हिंदू को समाप्त कर दो, प्रभु श्री राम के ही तो अनुयायियों को समाप्त करने की बात की थी। आपके राइट हैंड पे समाजवादी पार्टी के युवराज बैठे हैं जिनके पार्टी का स्टैंड था कि राम भक्तों पर निरंतर गोलियां चलाओ और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो चलाते रहेंगे। आपके वकीलों का कोर्ट में यह स्टैंड था कि राम मंदिर को लटकाओ अटकाओ भटकाओ, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई तो इसको आपने बीजेपी आरएसएस इवेंट बताया। आपके अगल बगल में बैठने वाले आरजेडी नेताओं का बयान था कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। तो भाई राम और रावण आज नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका वाड्रा जी तनिक ये तो बताइए कि राम को, राम जी को, हिंदू को, हिंदुत्व को, सनातन को समाप्त और गाली देने का जो महापाप करने वाले लोग थे वो कब नजर आएंगे आपको? और सवाल ये भी बनता है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे रामलीला मैदान में, तो रामलीला मैदान में और क्या क्या हुआ वो भी जरा नोट कीजिए। जो कल तक झाड़ू झाड़ू कर रहे थे दारू दारू करने लगे, जो कल तक स्वराज स्वराज कर रहे थे वो शराब शराब करने लगे, अन्ना अन्ना कर रहे थे लालू लालू करने लगे, और इन्हीं लोगों के इस्तीफा मांगने वाले, मतलब कि अरविंद केजरीवाल, इसी रामलीला मैदान में आप कई लोग जाते थे वहां पे कवर करने एज यंग रिपोर्टर्स, आप लोग देखे हो कि सोनिया को जेल में डालो दो दिन में पता चल जाएगा क्या खाया है क्या पिया है सब पता चल जाएगा, लालू को जेल में डालो ये भ्रष्ट है, अखिलेश को जेल में डालो, राहुल को जेल में डालो करने वाले आज कह रहे हैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, लालू जी, सब मिलकर मुझे जेल से निकालो और मैं ये सरकार तिहाड़ से चलाऊंगा। इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण। रामलीला में भी किस प्रकार की लीलाएं देखने मिल रही है ये आपके सामने है कि जो राम को नहीं मानता वो राम की बात कर रहा है, और जो झाड़ू से शुरू किया था, स्वराज से शुरू किया था, वो शराब और दारू की बात करता है और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है जब कोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। ये शुद्ध रूप से अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवारवादी दुकानों को जो बचाने की एक आखिरी प्रयास है। ऐसे भी कह सकते हैं कि एनडीए का तो लगातार आप देख रहे हैं मोदी जी मिशन और विजन के साथ चलते, तो 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, हम लोग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालते हैं, हम 80 करोड़ लोगों तक शौचालय, नल से जल, अलग अलग मुद्रा योजना, जनधन पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ नो मिशन नो विजन, ओनली माई कमीशन
माई डायनेस्टी प्रोफेशन, माई ओन एम्बिशन, माई अपना अपना करप्शन। ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन लेकर अपने डायनेस्टी के प्रोफेशन को बचाने के लिए इकट्ठा होने वाली ये मंडली है, इसमें यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज की पूरे कार्यक्रम का एजेंडा क्या था। जयराम जी एक बात कहते हैं, सौरभ जी दूसरी बात कहते हैं और मंच से ही आपने देखा किसके पोस्टर को निकाला जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे व्हाट्सएप आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके आधी क्लिप बना के मत डालना सोशल मीडिया पे। किसी ने मुझे इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मुझे लगता है ये सबसे उपयुक्त होगा, कि एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया। अब मैं नहीं कहता हूँ किसी को पप्पू, ये कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं। एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया और कांग्रेस ने एक पप्पू को बर्बाद किया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब बराबर हुआ। पर देखिए, अब उन्होंने कहा है कि दुनिया छोड़ दूंगा पर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। अब कांग्रेस को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या छूटा है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में आप देखिए ना, मिशन और विजन जब नहीं होता है तो बंगाल से दीदी बोलती है बंगाल छोड़ो, महाराष्ट्र से कोई बोलता है कि मुंबई छोड़ो, वो उनको खिचड़ी चोर बोल देते हैं, कोई केरल से बोलता है वायनाड छोड़ो, यूपी से बोलता है हम छोड़ देंगे, बिहार से बोलता है हम छोड़ देंगे। तो देवदास का एक डायलॉग है कि पारो ने बोला ये छोड़ दो, उसने बोला वो छोड़ दो। कांग्रेस की भी ऐसी स्थिति बन चुकी है, राजनीतिक पटल पर देवदास की तरह ही है कि इसने बोला ये छोड़ दो, उसने बोला ये छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा कि सब मिलकर बोलेंगे राहुल जी आप सियासत छोड़ दो। ये लाइटर नोट पर है, इसीलिए इसको अन्यथा ना लिया जाए, वो उनके आंतरिक विषय है, वो अपना बताए। परंतु कहीं पर भी उनका गठबंधन कोई मिशन विशन नहीं है, अपने अपने एम्बिशन में इस प्रकार का कंफ्यूजन लगातार चल रहा है। समस्या यही है ना कि इस अलायंस का नेचर ही यही है कि ये देश से, देश के इंस्टीट्यूशन से, देश के लोगों से डिमांड ही करते रहते हैं। कभी कट डिमांड करते हैं, कभी कमीशन डिमांड करते हैं, कभी वोट डिमांड करते हैं, अपना क्या देना है वो कभी नहीं बताते। हम क्या देश को दे सकते हैं, हम क्या अपने अलायंस के रूप में दे सकते हैं, वो कभी नहीं बता सकते। ना उन्होंने कुछ किया है ताकि वो बताने लायक भी रहे। ये वही प्रियंका वाड्रा है, हिमाचल में बड़े बड़े वादे करके आई हिमाचल की जनता को, वो कितने वादे पूरे हुए। वहां पर तो उनकी प्रदेश अध्यक्षा भी हो सकता है शायद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो बता रही है। मंडी को अपमानित करने के बाद तो और भी दयनीय स्थिति बन चुकी है। उनकी पार्टी के साथ क्या हिमाचल में घटनाक्रम घटी उन्हीं के लोगों के द्वारा कि उनके राज्यसभा के नुमाइंदे जीत नहीं पाए। उनकी सरकार किस प्रकार से चल रही है उसके बारे में उन्हीं की पार्टी के मंत्री बताते हैं। तो वादे पूरे जब नहीं कर पाते हैं, अपनी जो की गई जो प्रोमिसेस है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो देश की जनता से, देश के इंस्टीट्यूशन से डिमांड ही रखेंगे ये। और डिमांड करते करते क्या डिमांड रखी है, ये जो भी डिमांड रखी है ये डिमांड लेकर आप कोर्ट में गए, केजरीवाल जी को रिहा करो, कोर्ट के पास डिमांड की, कोर्ट ने बोला नहीं कर सकते, मेरे अकाउंट तथाकथित रूप से फ्रीज हो गए। हाई कोर्ट ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार ऑर्डर दिया, एक 45 पेज का ऑर्डर दिया कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं, उस पर लीन है, आपने 520 करोड़ की अवैध ट्रांजैक्शन की है, उसका जवाब दीजिए। और आपको हर जगह पर ट्राइब्यूनल में, बाकी जगहों पर रिलीफ नहीं मिली, उसका मतलब यह है कि गलती आपकी है। पर फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के विषय में भी, जब ईडी की कार्रवाई केजरीवाल पर हो रही थी, उनके आम आदमी पार्टी पर हो रही थी, तब कांग्रेस के लोग पिक्चर और पोस्टर चिपकाते थे। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र देखो, इसी ईडी की, इसी सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ मांगी थी। पर आज ईडी सीबीआई को गरियाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 पार्टियों की पेटिशन पर कि इसमें कोई भी वेंडेटा पॉलिटिक्स का हमें अंश नजर नहीं आ रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी है। इस प्रकार के पारिवारिक, प्रथम परिवार के डिमांड्स को जनता भी फुलफिल नहीं कर पा रही है। उनको अपनी डिमांड नहीं, उनको बताना चाहिए कि देश को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। आज रामलीला मैदान में जो देश के नाम में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले
दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं, और उनका क्या क्या किरदार रहा है उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा छिट्टा खोलने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्रहित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटो की रही है उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है। आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको ये आदेश दिया जाता है कि कच्चा तीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था, ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था,
ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए राष्ट्रहित को कुचलते हुए राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए अपने परिवार का फायदा देखते हुए डील करते हुए कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है, सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने, जवाहरलाल नेहरू जी 10 मई 1961 जवाहरलाल नेहरू टेल्स, आई अटैच नो इंपॉर्टेंस एट ऑल टू दिस लिटिल आइलैंड, आई वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग इट अप आर क्लेम्स ऑन इट, आई डू नॉट लाइक दिस पेंडिंग मैटर इनडेफिनेटली एंड बीइंग रेज्ड अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ मी। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए, ये हर रोज मेरे सामने पार्लियामेंट के रूप में विषय में आता है और मुझे तंग होता है इस पूरे विषय को देखते हुए, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको दे दिया जाए। मित्रों, जो मुझसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होंगे उनको याद होगा कि यही नेहरू जी थे जिन्होंने खड़े रहकर जब अक्साई चीन के अवैध कब्जे में चला गया और एक सांसद ने उनसे पूछा कि नेहरू जी ने आपने क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि इस भूमि पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामने उस सांसद ने क्या कहा आपको भी याद है, उनके मस्तिष्क को लेकर कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बट द सेम नेहरू जी सेड that not a blade of grass grows on Aksai Chin, so even if it has gone, what is the big deal? And today Nehruji's document shows that he has said that what is the big deal in this little island, why is it necessary? This island was the lifeline of thousands and thousands of farmers of Tamil Nadu. It was our Bharat Mata that was being spoken of in this cavalier manner. Rahul Gandhi ji, your family had done deal fixing. Uske baad मैं आपको एक और नोटिंग बताना चाहता हूं, जो एजी की नोटिंग आई थी उसी समय पर, जिसको दरकिनार करके नेहरू जी ये फैसला लेते हैं 1960 में। एमसी सेतलवाद जो उनके परिवार के करीबी भी है, वो कहते हैं कोट अनकोट, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन दिस आइलैंड, मतलब वो लीगल एविडेंस दे रहे हैं कि ये आइलैंड हमारा है, इसको सौंपना नहीं है। उसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है कि 1875 से लेकर 1948 तक, फ्रॉम 1875 टू 1948, नॉट ओनली वी हैव लीगल क्लेम, लीगल एविडेंस टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स आर क्लेम ऑन इट, बट दिस पीस ऑफ लैंड वॉज कंटिन्यूसली एंड अनइंटरप्टेडली हेल्ड बाय राजा ऑफ रामनाथ, जिसको रामनाथपुरम कहते हैं, एंड देयरफॉर वी हैव द एंटायर कंट्रोल ओवर दैट एरिया ऑफ लैंड, वेदर इट इज फिशरीज और अदर राइट्स। ये हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है। उसके बाद एक थर्ड नोटिंग सामने आती है, एमईए जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड ट्रीटीज के कृष्ण राव कहते हैं, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लीगल केस एंड दिस शुड बी लेवरेज्ड फॉर सेविंग द फिशरमैन्स राइट्स ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। वो आगे लिखते हैं, और ये सब 1960 में हो रहा है, वी हैव अ गुड केस विच कैन बी आंसर्ड एंड आर्ग्यूड विद कंसिडरेबल फोर्स, मतलब कि सरकार की ओर से जो वरिष्ठ जॉइंट सेक्रेटरीज है, लीगल ऑफिसर्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वो कहता है कि ये भारत की जमीन है, अनडिनाइबली हमारी है, अनडिनाइबली क्लेम इज आर्स, इट वॉज हैंडेड ओवर बाई ईस्ट इंडिया कंपनी टू द राजा एंड आफ्टर द जमींदारी राइट्स वर गॉन देन इट हैड वी हैड द क्लेम ऑन इट, ऑन एवरी इंच ऑफ इट। पर नेहरू जी क्या बोलते हैं, दिस टाइनी पीस ऑफ लैंड, वॉट इज द नीड ऑफ इट, आई हैव नो क्वॉम्स इन रिलिंक्विशिंग कंट्रोल ऑफ इट। 1968 में फिर जब विपक्ष समूचा खड़ा होकर कहता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी तो चल बसे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये नहीं कर सकते आप, तब देश की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, संसद को झूठ बोलती है। ये कहते हैं ना, संसद
का सम्मान नहीं हो रहा, संस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा, संसद को झूठ बोलती है और कहती है ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है इस आइलैंड को हैंडओवर करने का। यह किया जाता है प्रथम परिवार के द्वारा। 1969 में इसको अपोज किया जाता है, तब भी झूठ बोला जाता है। और 1973-74 के दरमियान चोरी चोरी छुपके छुपके जिस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री को साथ में लेते हुए देश की अखंडता, देश के हितों के खिलाफ समझौता करते हुए देश की एक भूमि को, देश की जमीन को श्रीलंका के पास सौंप दिया जाता है। और इसी संदर्भ में मैं आज कुछ सवाल इस डॉट लगाने वाले देश के नाम में अलायंस से भी पूछना चाहता हूं, और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं जो देश बचाने का दम भरती है, प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह हमारे राष्ट्र हितों के साथ समझौता था या नहीं? वॉज दिस अ कॉम्प्रोमाइज विद द यूनिटी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यस और नो? सेकेंड, वाई डिड द फर्स्ट फैमिली यूनिलैटरली गोइंग अगेंस्ट ऑल द एविडेंस अवेलेबल relinquish our claims, India's claims, Bharat's claims on territory of Bharat? Thirdly, DMK and Congress, दोनों से सवाल है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें तमिल प्राइड को लेकर करते हैं, तमिल संस्कृति को लेकर करते हैं, तमिल लोगों को, तमिल लैंग्वेज को लेकर करते हैं, is this not a direct assault on the rights and interests of Tamil people? क्या ये तमिल के, तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला नहीं था जिसमें मॉडल ये था फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों के साथ धोखेबाजी नहीं थी? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों के साथ और जीवनी के साथ खिलवाड़ नहीं था? वॉज इट नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड? कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी तमिलनाडु के मछुआरों को इस कदम के बाद? और क्या ये तमिलनाडु की गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं था? मेरा अगला सवाल, परिवारवादी जो ये देश के नाम पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाला गठबंधन है, क्या ये पहली बार ऐसा कोई कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है? कांग्रेस का तो डीएनए और चरित्र लगातार राष्ट्रहित के साथ समझौता करने वाला रहा है, और इसीलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी किस प्रकार से अक्साई चीन अवैध कब्जे में दे दिया चीन के, किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले जाने दी, कोको आइलैंड्स, काबो वैली, यहां तक कि सियाचेन। सियाचेन का तो आपको याद होगा, एक न्यूज रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़ना चाहता हूं, आप ही के बीच से एक मित्र ने उस आर्टिकल को, इस न्यूज रिपोर्ट को लिखा था, हेडलाइन थी Can PMO gift away to Pakistan what the army has won? ये हेडलाइन 2012 की थी, और ये तो आर्म फोर्सेस ने, जे सिंह जैसे जनरल ने जब इसका विरोध किया, तब जब यूपीए की सरकार की मंशा थी कि सियाचेन को भी पार्सल करके पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, उस पर रोक लगी क्योंकि भारत की सेना ने इसका विरोध किया। टिया पंगनक, जोरावर, डोमचेली, कितने उदाहरण थे, देश की भूमि और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति और जायदाद समझकर लुटवाना और ऐसे हितों का सौदा कर देना। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एलएसी के पास कभी बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया नहीं था। आज जिस प्रकार से राष्ट्रहित, हमारी एकता अखंडता, हमारी सॉवरेनिटी के साथ जो धोखेबाजी, जो गद्दारी और जो छल कपट किया गया है, क्या आज जो तथाकथित रूप से देश को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सामने आकर इसका जवाब देंगे? यहां पर तो सीधे सीधे कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया गया था 1974 में, और वो भी तब जबकि इसके खिलाफ राय थी, और वो भी इस प्रकार से जिस प्रकार से साफ नजर आता है कि इसमें परिवार का हित था, देश का हित नहीं था। और इसीलिए आज सवाल ये भी निर्माण होता है कि ये हमेशा से जो भारत और इंडिया के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भारत की, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं हों
उसके खिलाफ सुपारी ले लेते हैं, चाहे वो भारत की सेना हो उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, या भारत के राष्ट्रहित हो उसके खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हैं। क्या ये सच बात है या नहीं है कि जिस पार्टी ने कच्चा तीवू को सौंप दिया, उसी पार्टी ने जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसको खून की दलाली बताई थी? क्या यह सच बात नहीं है जब भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था तो उसके भी सबूत आर्म फोर्सेस से मांगे गए थे और सेना के मनोबल पर चोट की गई थी? क्या यह सच बात नहीं है कि 26/11 के बाद जब कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर आक्रमण करना चाहिए तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया, पर आज जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो भारत की सेना के मनोबल पर चोट की जाती है? आज जब भारत की नौसेना कहां कहां जाकर न केवल भारतीयों को बल्कि गैर भारतीयों को भी एक प्रकार से सुरक्षित लाने का काम करती है, तो राहुल गांधी जी, आपके परिवार ने देश के टुकड़े भी करवाए, देश का बंटवारा करवाया और कच्चा तीवू आइलैंड सौंप दिया। और आज भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। आज भी ए राजा कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, हर प्रदेश एक अलग देश है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी जिस प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों को अपने आप को अलग देश घोषित कर देना चाहिए और इस पर संविधान बचाव करने वाली बातें करने वाले बड़े बड़े नामी गिनामी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वो एक स्वर से इसका खंडन नहीं करते, ना उस पर कार्रवाई करते हैं। आप देश बचाना चाहते हैं या आप देश का विभाजन करवाना चाहते हैं? आप देश में आग लगाना चाहते हैं और आप देश की संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा किया करना चाहते हैं? आज सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस प्रकार से मैच फिक्सिंग की राहुल गांधी बात करते हैं, तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी डील फिक्सिंग हुई थी कि अक्साई चीन भी आपने चीन को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने पीओके पाकिस्तान को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने भारत की भूमि को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को सौंप दिया और कच्चा तीवू को भी श्रीलंका के हितों को देखते हुए और हमारे तमिलनाडु के लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए सौंप दिया। इसके ऊपर आज इनको इसी मंच से जवाब देना चाहिए। आपके कोई अन्य सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। इसका मतलब यह है कि जिसके परिवार में कमीशन फिक्सिंग, डील फिक्सिंग, जीप स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक डील फिक्स ही की थी इन लोगों ने, नेशनल हेल्थ से लेकर बाकी जगहों पर अपना अपना करप्शन फिक्स ही किया था इन लोगों ने, और एक के बाद एक घोटालों में जो कमीशन फिक्सिंग करते हैं उनको तो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से चलने में भी मैच फिक्सिंग नजर आ रहा है। मैं तो सोचता हूं कि 7 फेज इलेक्शन के घोषित हुए हैं, 7 फेजेस ऑफ इलेक्शन हैव बीन डिक्लेयर्ड, बट 3 फेजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। फर्स्ट फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब्यूज मीडिया, ओपिनियन पोल्स, आप लोग भी गाली खाते ही हैं इनकी, 14 एंकर भी बॉयकॉट हो गए। सेकेंड फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन abuse EVM and election commission, and third phase of frustration abuse janta itself। आपने तो देखा होगा कर्नाटका में एक नेता ने, इनके मंत्री ने कहा कि जो युवा प्रधानमंत्री मोदी के लिए समर्थन प्रकट करे उसको जूते चप्पल से मारो। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जनता राक्षसी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखकर वोट कर देती है। तो आज तो ये स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार एनडीए का होने वाला है और जनता ही ये विश्वास बार बार जो है प्रधानमंत्री जी में जता रही है। तो आज राहुल गांधी फिर से एक बार ईवीएम का बहाना बना रहे हैं क्योंकि परिवार को बचाना जरूरी है। ये ईवीएम, ये मैच फिक्सिंग, ये सब बहाना है परिवार को हार की डर से बचाना है, इसलिए रायबरेली और अमेठी का रास्ता भूल जाना है
और इसीलिए देश की संस्थाओं पर जब मन करे कुटाराघात करवाना है, जब यही संस्थाएं, यही ईवीएम, यही इलेक्शन कमीशन से आप तेलंगाना में चुनाव जीतो तो वो तो बिल्कुल अच्छे चुनाव होते हैं, और यही ईवीएम इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए चुनावों में अगर आप उत्तर प्रदेश में हार जाओ या आप देश के चुनाव में हार जाओ तब तो इस इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले में फैसला सुना दे और कहे कि देखिए यहां पर गलत हुआ और सरकार को कटघरे में खड़ा करे, तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नॉन बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, लोकतंत्र बहाल है, सुप्रीम कोर्ट सही है। और जब यही सुप्रीम कोर्ट कहे ईडी सीबीआई स्वतंत्र होकर काम कर रही है, या मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का काम करे, या 338 करोड़ मनी ट्रेल के बारे में बात करे, तब सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं अपनाना है और रैली करके कोर्ट के खिलाफ अपनी भड़ास निकालना है। मतलब अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसकी परिकल्पना नहीं की होगी कि अ बंच ऑफ परिवारवादी हु कम टूगेदर टू सेव एंड डिफेंड देयर करप्शन इन द नेम ऑफ लोकतंत्र बचाओ विल अब्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे लाइक एंड विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे डोंट लाइक। ये इतनी हिपोक्रेसी केवल राहुल गांधी और उनके परिवार से ही संभव है। और राहुल गांधी जी से जरा पूछिएगा कि राहुल गांधी जी ये आप बोलते हैं फिक्स हो गया, केजरीवाल जी का जेल जाना ये फिक्सिंग था, सोरेन जी का जेल जाना ये फिक्सिंग था, हमारे अकाउंट जो है उस पर लीन लगी है, इसको फ्रीज कहते हैं, वो फिक्सिंग था, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिक्स्ड है? क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जुडिशरी फिक्स्ड है? क्योंकि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में रखा। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि हेमंत सोरेन को उनके कर्मों ने और कोर्ट ने जेल में रखा है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। और लालू प्रसाद यादव 4-5 बार कन्विक्टेड है, उनकी पहली कन्विक्शन आदरणीय राहुल जी 2013 में हुई। तो क्या उस समय पर भी कोर्ट और एजेंसी फिक्स थे? जेएमएम की पहली कन्विक्शन 1990 में हुई, उस समय पर भी एजेंसी फिक्स थे, कोर्ट फिक्स था? राहुल गांधी जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर यह उनसे ज्यादा उम्मीद हो जाएगी। मुझे लगता है इस विषय पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई बार अपने देश के पूरे पृष्ठभूमि को बहुत साफ साफ तरीके से रखा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक विषयों पर और कोई आपके सवाल जवाब होंगे तो उस पर हम फोकस करते हैं। उन्होंने कहा कि जब राम रावण से लड़े थे तब उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास सेना नहीं थी बहुत बड़ी, और एक तरह से वो तुलना करती हुई नजर आ रही है कि वो लोग राम के पक्ष के, और वो ये भी कह रही है कि ये लोग अपने आप को राम भक्त बताते हैं लेकिन ये छलावा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के सारे कौरव एक होकर आज जिस प्रकार से तथाकथित रूप से देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ पर असलियत में अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवार के बचे कुचे सीमित अस्तित्व को बचाओ का वहाँ पर स्वांग रच रहे हैं, कम से कम एक चीज़ के लिए तो मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूँ कि कल तक जो पार्टी हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का महापाप करती थी, आज वो राम राम करने लगी है। मतलब कि इसको लिटरली ना लिया जाए कि जिनकी रोम मानसिकता है, सेकुलरिज्म के नाम पर जो वोट बैंक की मानसिकता थी, वहां से चलकर आज राम मानसिकता पर कम से कम उदाहरण के तौर पर ही आए हैं, तो ये भी तो मोदी है तो मुमकिन है। और सवाल ये भी बनता है कि आपको आज कौन राम है कौन रावण है ये नजर आ रहा है? आपके बगल में बैठे हुए उदयनिधि ने तो कहा था सनातन हिंदू को समाप्त कर दो, प्रभु श्री राम के ही तो अनुयायियों को समाप्त करने की बात की थी। आपके राइट हैंड पे समाजवादी पार्टी के युवराज बैठे हैं जिनके पार्टी का स्टैंड था कि राम भक्तों पर निरंतर गोलियां चलाओ और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो चलाते रहेंगे। आपके वकीलों का कोर्ट में यह स्टैंड था कि राम मंदिर को लटकाओ अटकाओ भटकाओ, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई तो इसको आपने बीजेपी आरएसएस इवेंट बताया। आपके अगल बगल में बैठने वाले आरजेडी नेताओं का बयान था कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है,
तो भाई राम और रावण आज नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका वाड्रा जी तनिक ये तो बताइए कि राम को, राम जी को, हिंदू को, हिंदुत्व को, सनातन को समाप्त और गाली देने का जो महापाप करने वाले लोग थे वो कब नजर आएंगे आपको। और सवाल ये भी बनता है कि देखिए जैसे मैंने बताया कि रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे रामलीला मैदान में, तो रामलीला मैदान में और क्या क्या हुआ वो भी जरा नोट कीजिए। जो कल तक झाड़ू झाड़ू कर रहे थे दारू दारू करने लगे, जो कल तक स्वराज स्वराज कर रहे थे वो शराब शराब करने लगे, अन्ना अन्ना कर रहे थे लालू लालू करने लगे, और इन्हीं लोगों के इस्तीफा मांगने वाले मतलब कि अरविंद केजरीवाल इसी रामलीला मैदान में, आप कई लोग जाते थे वहां पे कवर करने एज यंग रिपोर्टर्स, आप लोग देखे हो कि सोनिया को जेल में डालो दो दिन में पता चल जाएगा क्या खाया है क्या पिया है सब पता चल जाएगा, लालू को जेल में डालो ये भ्रष्ट है, अखिलेश को जेल में डालो, राहुल को जेल में डालो करने वाले आज कह रहे हैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, लालू जी सब मिलकर मुझे जेल से निकालो और मैं ये सरकार तिहाड़ से चलाऊंगा। इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण। रामलीला में भी किस प्रकार की लीलाएं देखने मिल रही है ये आपके सामने है कि जो राम को नहीं मानता वो राम की बात कर रहा है, और जो झाड़ू से शुरू किया था स्वराज से शुरू किया था वो शराब और दारू की बात करता है और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है जब कोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। ये शुद्ध रूप से अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवारवादी दुकानों को जो बचाने की एक आखिरी प्रयास है। ऐसे भी कह सकते हैं कि एनडीए का तो लगातार आप देख रहे हैं मोदी जी मिशन और विजन के साथ चलते हैं, तो 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था, हम लोग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालते हैं, हम 80 करोड़ लोगों तक शौचालय, नल से जल, अलग अलग मुद्रा योजना, जनधन पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ नो मिशन नो विजन, ओनली माय कमीशन, माय डायनेस्टी प्रोफेशन, माय ओन एम्बिशन, माय अपना अपना करप्शन। ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन लेकर अपने डायनेस्टी के प्रोफेशन को बचाने के लिए इकट्ठा होने वाली ये मंडली है, इसमें ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज के पूरे कार्यक्रम का एजेंडा क्या था। जयराम जी एक बात कहते हैं, सौरभ जी दूसरी बात कहते हैं, और मंच से ही आपने देखा किसके पोस्टर को निकाला जाता है। देखिए मुझे लगता है कि ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे व्हाट्सएप आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसके आधी क्लिप बना के मत डालना सोशल मीडिया पे, किसी ने मुझे इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मुझे लगता है ये सबसे उपयुक्त होगा कि एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया, और मैं नहीं कहता हूँ किसी को पप्पू, ये कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं, एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया और कांग्रेस ने एक पप्पू को बर्बाद किया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब बराबर हुआ। पर देखिए अब उन्होंने कहा है कि दुनिया छोड़ दूंगा पर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, अब कांग्रेस को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या छूटा है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में आप देखिए ना, मिशन और विजन जब नहीं होता है तो बंगाल से दीदी बोलती है बंगाल छोड़ो, महाराष्ट्र से कोई बोलता है कि मुंबई छोड़ो वो उनको खिचड़ी चोर बोल देते हैं, कोई केरल से बोलता है वायनाड छोड़ो, यूपी से बोलता है हम छोड़ देंगे, बिहार से बोलता है हम छोड़ देंगे। तो देवदास का एक डायलॉग है कि पारो ने बोला ये छोड़ दो, उसने बोला वो छोड़ दो, कांग्रेस की भी ऐसी स्थिति बन चुकी है राजनीतिक पटल पर देवदास की तरह ही है कि इसने बोला ये छोड़ दो, उसने बोला ये छोड़ दो, एक दिन ऐसा आएगा कि सब मिलकर बोलेंगे राहुल जी आप सियासत छोड़ दो। ये लाइटर नोट पर है इसीलिए इसको अन्यथा ना लिया जाए, वो उनके आंतरिक विषय है वो अपना बताए, परंतु कहीं पर भी उनका गठबंधन कोई मिशन विशन नहीं है, अपने अपने एम्बिशन में इस प्रकार का कंफ्यूजन लगातार चल रहा है। समस्या यही है ना कि इस अलायंस का नेचर ही यही है कि ये देश से, देश के इंस्टीट्यूशन से, देश के लोगों से डिमांड ही करते रहते हैं, कभी कट डिमांड करते हैं, कभी कमीशन डिमांड करते हैं, कभी वोट डिमांड करते हैं, अपना क्या देना है वो कभी नहीं बताते, हम क्या देश को दे सकते हैं, हम क्या अपने अलायंस के रूप में दे सकते हैं वो कभी नहीं बता सकते, ना उन्होंने कुछ किया है ताकि वो बताने लायक भी रहे।
ये वही प्रियंका वाड्रा है, हिमाचल में बड़े बड़े वादे करके आई हिमाचल की जनता को। वो कितने वादे पूरे हुए, वहां पर तो उनकी प्रदेश अध्यक्षा भी हो सकता है शायद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो बता रही है। मंडी को अपमानित करने के बाद तो और भी दयनीय स्थिति बन चुकी है। उनकी पार्टी के साथ क्या हिमाचल में घटनाक्रम घटी उन्हीं के लोगों के द्वारा कि उनके राज्यसभा के नुमाइंदे जीत नहीं पाए, उनकी सरकार किस प्रकार से चल रही है उसके बारे में उन्हीं की पार्टी के मंत्री बताते हैं। तो वादे पूरे जब नहीं कर पाते हैं, अपनी जो की गई जो प्रोमिसेस है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो देश की जनता से, देश के इंस्टीट्यूशन से डिमांड ही रखेंगे ये। और डिमांड करते करते क्या डिमांड रखी है, ये जो भी डिमांड रखी है ये डिमांड लेकर आप कोर्ट में गए, केजरीवाल जी को रिहा करो कोर्ट के पास डिमांड की, कोर्ट ने बोला नहीं कर सकते। मेरे अकाउंट तथाकथित रूप से फ्रीज हो गए, हाई कोर्ट ने एक नहीं दो नहीं तीन बार ऑर्डर दिया, एक 45 पेज का ऑर्डर दिया कि आपका अकाउंट फ्रीज ने, उस पर लीन है, आपने 520 करोड़ की अवैध ट्रांजैक्शन की है उसका जवाब दीजिए। और आपको हर जगह पर ट्राइब्यूनल में बाकी जगहों पर रिलीफ नहीं मिली, उसका मतलब यह है कि गलती आपकी है, पर फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के विषय में भी, जब ईडी की कार्रवाई केजरीवाल पर हो रही थी, उनके आम आदमी पार्टी पर हो रही थी, तब कांग्रेस के लोग पिक्चर और पोस्टर चिपकाते थे, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र देखो, इसी ईडी की, इसी सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ मांगी थी, पर आज ईडी सीबीआई को गरियाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 पार्टियों की पेटिशन पर कि इसमें कोई भी वेंडेटा पॉलिटिक्स का हमें अंश नजर नहीं आ रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी है। इस प्रकार के पारिवारिक प्रथम परिवार के डिमांड्स को जनता भी फुलफिल नहीं कर पा रही है, उनको अपनी डिमांड नहीं, उनको बताना चाहिए कि देश को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। आज रामलीला मैदान में जो देश के नाम में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले, दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं, और उनका क्या क्या किरदार रहा है उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा छिट्टा खोलने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्रहित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज
एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बाटों की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है, आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चा तीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ, मैं कहूंगा, गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था, ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था, ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए, राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है, सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने, जवाहरलाल नेहरू जी, 10 मई 1961, 10th of May, जवाहरलाल नेहरू टेल्स, I attach no importance at all to this little island. I would have no hesitation in giving it up or claims on it. I do not like this pending matter indefinitely and being raised again and again in front of me. Jawaharlal Nehru ji कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए, यह हर रोज मेरे सामने पार्लियामेंट के रूप में विषय में आता है और मुझे तंग होता है इस पूरे विषय को देखते हुए, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको दे दिया जाए। मित्रों, जो मुझसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होंगे उनको याद होगा कि यही नेहरू जी थे जिन्होंने खड़े रहकर, जब अक्साई चीन के अवैध कब्जे में चला गया और एक सांसद ने उनसे पूछा कि नेहरू जी ने आपने क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि इस भूमि पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामने उस सांसद ने क्या कहा, आपको भी याद है, उनके मस्तिष्क को लेकर कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बट द सेम नेहरू जी सेड दैट नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन अक्साई चीन, सो इवन इफ इट हैज गॉन व्हाट इज द बिग डील। एंड टुडे नेहरू जी डॉक्यूमेंट शोज दैट ही हैज सेड दैट व्हाट इज द बिग डील इन दिस लिटिल आइलैंड, व्हाई इज इट नेसेसरी, दिस आइलैंड वॉज द लाइफ लाइन of thousands and thousands of farmers of Tamil Nadu. It was our Bharat Mata that was being spoken of in this cavalier manner. Rahul Gandhi ji, your family had done deal fixing. Uske baad, main aapko ek